इस पे अगर हाफ पे छा होता है तो हाफ वर्किंग पे ही रहता है। अब साइडवेज पे भी अगर साइड्स में भी तीन कनेक्शन है, अगर इस साइड में भी आता है तो इस से, ये सेल्स वर्किंग पे। तो अब मतलब जब तक आपकी छत पे थोड़ी भी धूप है तब तक आप यूज़ कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं ओखला फेज वन के अंदर गैलो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के पास। अगर आप सोलर पैनल का बिजनेस करना चाहते हैं या सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो यहाँ पर आ गए हैं कंपनी के हेड ऑफिस और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इनका सारा स्टाफ बैठता है। सो आपकी जो भी क्वेरीज है या जो भी प्रॉब्लम्स है सेल सर्विसेज का हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपकी दूर हो जाएगी। और अभी चलते हैं प्रोडक्ट देखते हैं किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और साथ ही आप कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं या डायरेक्टली आप कैसे कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सर हेलो सर, कैसे हो? हेलो, बढ़िया। हाँ, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर अपने बारे में। एक्चुअली वी आर मैन्युफैक्चरर्स, हम लोग सोलर में आज की डेट में मैन्युफैक्चरर्स हैं। ट्रेडिशनली क्या हो रहा था कि लोग सोलर पैनल्स जब लगवाना चाह रहे थे, सोलर पावर प्लांट, तो सोलर पैनल कहीं से लेते थे, सोलर इन्वर्टर कहीं से लेते थे, सोलर बैटरी कहीं से लेते थे, वो आपस में कंपैटिबल है नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा। और सर्विस के टाइम पे इशू आता था कि सोलर वाले बोलते थे पहले इन्वर्टर दिखाओ, इन्वर्टर वाले बोलते थे पहले बैटरी दिखाओ। तो उसका एक सॉल्यूशन लाते हुए गैलो एनर्जी अपने मैन्युफैक्चर कर रही है तीनों चीजें, सोलर पैनल्स हम लोग खुद बना रहे हैं, बैटरीज हम लोग बना रहे हैं, इन्वर्टर्स हम लोग बना रहे हैं। तो अब वो कंपैटिबल तो हो गए क्योंकि हम लोग खुद डिजाइन कर रहे हैं उसको। और एट द टाइम ऑफ सर्विस भी लोग अब तीन जगह नहीं भागना पड़ता, आपके पास अपने पास आते हैं, हम लोग उसका सॉल्व करके देते हैं। मतलब ये है कि सर अगर आपकी कंपनी से कोई जुड़ रहा है उनके पास तीनों चीजें अवेलेबल हो जाएंगे, बैटरी भी, इन्वर्टर भी एंड सोलर पैनल्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर कंपनी के बारे में बात करें, आपके ऑफिसेज कहाँ है, कहाँ से प्रोडक्शन होते हैं? बेसिकली अपना कॉर्पोरेट ऑफिस तो दिल्ली में, हरिद्वार में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें पैनल्स बन रहे हैं, इन्वर्टर्स बन रहे हैं, बैटरीज बन रही है, तो ऐसा करके है। और डीलर नेटवर्क है अपना यूपी रीजन में, हरियाणा रीजन में, और मोस्ट ऑफ द परचेज डायरेक्ट टू वेबसाइट से आ जाती है। अच्छा, बिल्कुल। सो यहाँ पर आपने जैसे प्रोडक्ट्स शोकेस किए हैं, सोलर पैनल्स शोकेस किए हैं, क्या खासियत क्या होने वाली है आपके पैनल्स की? जैसे कि बात करें इस पैनल्स की, तो ये पैनल एक मोनो हाफ कट प्लस बाइफेशियल हुआ, जिसमें मतलब अभी तक क्या होता था कि लोगों के आसपास में बड़ी छत है, छोटी छत है, तो 2 बजे 3 बजे छांव आ जाती थी, उनका पूरा पैनल बंद हो जाता था। ठीक है, तो अब देखेंगे अगर ये पैनल है, इसमें ये हाफ कट मॉड्यूल है। ट्रेडिशनली क्या होता था, ऐसे पैनल होएंगे अपने, तो थ्रू आउट द पैनल उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था। अब इसमें आधे पे छाव आ गई तो पूरा पैनल बंद हो जाता था। अच्छा, पर ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हो गई, ये हाफ कट मॉड्यूल है, तो अब इस पे अगर हाफ पे छाव होता है तो हाफ वर्किंग पे ही रहता है। अब साइडवेज पे भी अगर साइड्स में भी तीन कनेक्शन है, अगर इस साइड में भी आता है तो इस से, ये सेल्स वर्किंग पे। तो अब मतलब जब तक आपकी छत पे थोड़ी भी धूप है तब तक आप यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा इससे। जी, जिस तरह से पहले जो एक कन्वेंशनल सोलर प्लेट आ रहे थे उससे काफी अलग, काफी इफिशिएंसी इसकी ज्यादा होने वाली है। जैसे यहाँ पर और काफी चीजें आपने जैसे रिड्यूस BOS इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये क्या है? अब ये मान के चलिए 595 वॉट का पैनल है, ये हाफ कट प्लस बाइफेशियल है, तो ये बैक साइड से भी गेन कर सकता है आपका अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस है। और मान के चलिए अभी तक 335 300 200 वॉट के, अब 1 किलो वॉट में आपको 200 वॉट के 5 पैनल इंस्टॉल करने पड़ते थे, अब वो 5 पैनल इंस्टॉल करने के लिए स्ट्रक्चर का खर्चा, बाकी चीजें खर्चा। अब ये 1 किलो वॉट में आप 2 पैनल इंस्टॉल करेंगे, स्ट्रक्चर भी कम लगेगा आपका, बाकी मतलब वायरिंग वगैरह भी कम होगी। तो ज्यादा बजट ना बढ़ाते, एक एफिशिएंटली आपको मतलब एनर्जी जनरेट करके देगा। तो ये बाइफेशियल पीछे का किस तरह का सरफेस होने वाला है? बाइफेशियल का अब इजी टू यूज भी है, मतलब आप इजीली हिला पा रहे हैं। बाइफेशियल का मतलब कि आपका बैक साइड पे भी एक शीट आ जाएगी, मतलब ट्रांसपेरेंट शीट है जो बैक साइड से भी आपको इलेक्ट्रॉन रेज करके दे सकते। वेट की बात करें, अगर कहीं पर आप इंस्टॉलेशन करते हो, छत पर इंस्टॉलेशन करते हो, वहां पर आंधी तूफान या काफी ऐसे वेदर काफी कंडीशन होते हैं, तो वहां पर कितना ये विदस्टैंड कर सकते? विदस्टैंड लाइक हमारा स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग भी खुद का ही है, तो स्ट्रक्चर भी हम लोग खुद ही देते हैं। अच्छा, अपनी तरफ से मतलब सारा एक सॉल्यूशन आप प्रोवाइड। बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर ओरिएंटेड ब्रांड बनाया है जो कस्टमर के जो भी नीड रहे वो फुलफिल कर पाए। तो विद स्टैंड मतलब 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे तो हमने टेस्ट किए हुए हैं अपने स्ट्रक्चर्स को। हाँ। तो इतने कंपेटेबल हैं कि आप अपने रूफटॉप पे लगा के 25 साल फ्री हो सकते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल से। अच्छा। हाँ। तो ये और भी किस किस टाइप के आपके पास ये सोलर पैनल होती है? सोलर पैनल की देखिए आज की डेट में 5 वॉट से लेकर 595 वॉट तक हम लोग बना रहे हैं,
तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड हम लोग वहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, आप रिक्वायरमेंट बताएं उनके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। जैसे यहाँ अगर बैटरीज की बात करें और इन्वर्टर्स की बात करें, इसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल, ऐसा जैसे अपने पास ये ट्यूबलर जेल बैटरी है, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी हो गई। रिसेंटली क्या होता था कि मतलब एसिड बैटरी जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, एसिड बैटरीज में क्या होता था कि आपको बार बार रिफिल करना रहता था चीजें, और फ्यूम्स मतलब जब वो चार्ज डिस्चार्ज होता था तो फ्यूम उसमें निकलते थे। तो एक लिथियम से कम कॉस्ट पे लिथियम जैसे फीचर्स डाल के मतलब जेल टेक्नोलॉजी के साथ जेल बैटरी आई है। ये फायर प्रूफ है, कोई मेंटेनेंस नहीं रहता, वापस रिफिल नहीं करना रहता, मतलब कोई फ्यूम्स का भी आउटपुट नहीं होता, पॉल्यूशन फ्री हो जाता है। तो बिल्कुल एक न्यू टेक्नोलॉजी। सोलर ये ट्यूबलर रखने का क्या आइडिया क्या है यहाँ पर? ट्यूबलर रखने का सर ये आइडिया है कि मतलब आपकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े। फ्लैट रखते थे तो अपने क्या होता था कि मतलब स्पेस भी आपका मैनेज हो पाता, बिल्कुल स्पेस मैनेज हो जाता है, प्लस ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है कि आपका डिस्चार्जिंग एबिलिटी ज्यादा हो जाती है, मतलब आपसे आउटपुट ज्यादा निकाल सकते हैं ऐसा कर। और ये इन्वर्टर की अगर बात करें, किस तरह के इन्वर्टर्स आप? इन्वर्टर्स में अपने पास MPPT इन्वर्टर्स हैं, मतलब जो आपकी पैनल की वोल्टेज आ रही है वो मैनेज करके इजी आपको पहुंचा पाए उस पे। अच्छा। जो आपके बैटरीज चार्जिंग करनी है, ये अपग्रेड इन्वर्टर्स हो गया, पूरा सिस्टम अपना बन रहा है, तो उस हिसाब से डिजाइन है कि इसमें क्या क्या फीचर्स हमें डालने हैं एक ऑप्टिमम आउटपुट देने के लिए, एक बेटर इन्वर्टर डिजाइन। सो यहाँ पर हमने सोलर पैनल देख लिया, बैटरी देख ली, इन्वर्टर देख ली। जैसे ये प्रोडक्ट्स पर अगर सर्विसेज की बात करें, वारंटीज की बात करें या आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करें, क्या इशू रहता है उसमें? ऐसा सच कोई इशू नहीं रहता है। अच्छा। मान के चलिए अगर पैनल है तो उस पर 25 साल की स्टैंडर्ड आउटपुट वारंटी है, मतलब इसका 40-50 साल लाइफ है, 25 साल तो हम लोग वारंटी दे रहे हैं। पैनल एक बार लगाइए अगला जनरेशन ही चेंज करेगा। तो और बैटरीज की बात करें, अगर अपना पूरा सिस्टम लगता है तो 5 ईयर वारंटी मेंटेनेंस रहता है, और सर्विस के लिए भी आपको इधर उधर नहीं भागना रहता है। अच्छा। हम लोग ऑन साइट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, कंपनी से बिल्कुल अपना टोल फ्री नंबर अवेलेबल है, आप उस पर अप्रोच करें। अच्छा। ताकि आपको जो भी सर्विस का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। और जैसे अगर बिजनेस की बात करें, एज ए बिजनेस देखिए, अगर कोई जुड़ना चाहे आपकी कंपनी से एज ए डीलर या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, क्या कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है उसके लिए? एज अ कस्टमर बेस अपने पास अच्छा है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बिल्कुल जुड़ सकते हैं अपने साथ। इसकी ज्यादा जानकारी मतलब आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। अच्छा, और यहाँ डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और जैसे अगर किसी को डायरेक्टली कंज्यूमर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, अगर सोलर पावर प्लांट लगाने हैं, वो कैसे कॉन्टैक्ट करें और उनके लिए क्या कुछ? उनके लिए मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। कंज्यूमर डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, या तो हमारी वेबसाइट पे हमसे कॉन्टैक्ट करें, या हमारा फोन नंबर है, ईमेल है, ये सारी चीजें हैं डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए। और कंज्यूमर के लिए एक फैसिलिटी और अवेलेबल है कि मान के चलिए अगर अभी किसी को फाइनेंस पे भी चाहिए, इजी EMI में भी अवेलेबल हो चुका है ये, तो आप इसके लिए बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी, टेक्निकल टीम आपको रिवर्ट करेगी, ताकि आपके डिमांड के हिसाब से हम लोग सप्लाई कर पाए। लोगों का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है, किसी को पंखे ही चलाने हैं, किसी को AC भी चलाना है, तो अलग अलग डिमांड के हिसाब से टेक्निकल टीम आपको अप्रोच करेगी उसके लिए। तो वो है कि आप अपने रिक्वायरमेंट देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप कंपनी से बात करें और वहां पर सजेस्ट कर दिया जाएगी कि भाई इस तरह के आप लगा सकते हो, डिमांड के आप प्लांट लगा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर, एट लास्ट में सर, आप अपनी कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों क्या बोलना चाहेंगे? अगर कहीं से भी परचेज कर रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरर से परचेज करेंगे तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी एज कम्पेयर टू आप लोकल डीलर से परचेज करें। हाँ जी, तो वो हाँ, तो है कि सर आप डायरेक्टली मार्केट में भी हो, एज ए कंज्यूमर आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट करो, या आप एज ए बिजनेस तो कर ही सकते हो, एज ए कंज्यूमर आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करो। तो यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट कंपनी के पास लेकर आया हूँ, आप डायरेक्टली कंपनी से कॉन्टैक्ट करें, डायरेक्टली यहाँ से लगवाएं, और वहाँ पर कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती है, यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर सारे स्टाफ बैठे रहते हैं, सारी आपकी क्वेरीज दूर कर दी जाएगी। तो जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा या जो भी एड्रेस होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और स्क्रीन डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं, या आप अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या पहले से बिजनेस है उसमें नया सेगमेंट ऐड कर लिया और वहाँ से आप ये नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।